सर मेरा ठेकेदार ने कॉलम के सरिया को 6 इंची जगल करके अलग जगह से कॉलम निकाला। सर मेरा ठेकेदार ने मेरा मिस्त्री ने कॉलम के सरिया को जगल करके 2 फीट अंदर से ऊपर उठाया है, क्या ये सही है सर? और यही चीज और ये सारे बहुत सारे कमेंट हमारे YouTube के वीडियो में आते हैं। बहुत सारा लोग जो है WhatsApp पे डायरेक्ट हमें साइट का फोटो वीडियो बना करके भेजते हैं कि सर हमारा मिस्त्री ने ऐसा कर दिया। अब एक सवाल आता है कि भाई ये तरीका सही है या गलत है, मतलब कॉलम अगर यहां है इसके सरिया को जगल करके ऐसे करके कुछ यहां से उठा दिया, मतलब ये 6 इंची भी हो सकता है, 7 इंची भी, 1 फीट भी, यहां तक कि 2-2, 3-3 फीट तक मैं देखा हूं मिस्त्री को इस जगह से फाउंडेशन से नीचे आते हुए आया कॉलम लेकिन प्लिंथ लेवल में आकर के उसको अंदर करके 3 फीट कर दिया। अब इससे क्या कॉलम स्ट्रेंथ होगा, मजबूत होगा, घर मजबूत बनेगा? अगर यही सवाल आप किसी ठेकेदार से पूछेगा, मिस्त्री से, बोलेगा कुछ नहीं होता है। अभी तक हम जो है यहाँ 30 साल से काम कर रहे हैं, इतना सारा घर बना लिए हैं, अभी तक तो कुछ हुआ है नहीं है, कुछ नहीं होगा। और आपको भी पता है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा जमीन लेवल, यहां से मेरा कॉलम गया है, ठीक है, और ये कॉलम का ये सरिया है। अब यहाँ पे ठेकेदार क्या करता है, इस कॉलम के सरिया को बाद में जब फाउंडेशन हो जाता है, प्लिंथ लेवल तक आ जाता है, तब पता चलता है कि भाई कि हम कॉलम जो है अलग जगह बना दिए हैं, यहाँ तक कि 1 फीट बाहर बना दिए। तो फिर ये लोग क्या करेगा, अब देखिए नया पैटर्न ये लोग क्या करता है, इस सरिया को क्या करता है, ये लोग यहाँ से प्लिंथ लेवल में ऐसे करके 1 फीट इधर लेता है, फिर ऊपर उठाता है, इस सरिया को 1 फीट इधर लेकर ऐसे उठाता है, ऐसे ले जाता है। और ये किस लेवल में, खास करके ज्यादातर जो है प्लिंथ बीम का लेवल में करता है। अब जरा मेरे को बताया, वो ये सरिया अगर यहां से 1 फीट, 1 से 3, यहां तक कि बहुत तो जो है 3-3 फीट भी ले जाता है, 1 से 1 फीट प्लस है, तो अगर ऐसे करके कॉलम का सरिया गया है, अब बताइए क्या ये स्ट्रेंथ लेगा? अब ये सरिया जब हम कॉलम ऊपर उठाएंगे, कॉलम कुछ डायरेक्शन इस तरह से हो गया। अब इस कॉलम के ऊपर जब हम छत का रूफ लोड देंगे, अब इस तो और साथ ही जब बीम के ऊपर भी, ये आपका हो गया प्लिंथ बीम, बीम के ऊपर भी ब्रिक का लोड देंगे, ब्रिक के, तो क्या अब ये लोड ले पाएगा? आपको इसका आंसर बिल्कुल पता है। अब देखिए क्या होता है कि जब भी कभी कॉलम के ऊपर लोड आता है, वो सेंटर टू सेंटर लोड आता है, ठीक है, अब यहाँ सेंटर तो मिला नहीं, अब ये कुछ इस तरीके से बैंड कर दिया गया, और ये तरीका बिल्कुल गलत है। और यहीं से जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाला पॉइंट से आपको क्रैक करेगा, ये वाला पॉइंट से आपको ये क्रैक करेगा। हाँ, आपको इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे मैं कितना जगल दे कि भाई कॉलम आपका सेफ रहेगा, वही बताएंगे। अब गलती तो हो गया, अब ये हमने जिस समय प्लिंथ लेवल में आए तो हमें पता चला कि मेरा कॉलम मतलब फाउंडेशन जो है कहीं अलग जगह बन गया है, तो उसको इस तरीके से प्लिंथ बीम में कर दिया गया। अगर ऐसा करते हैं तो पहले तो कॉलम करेक्ट होगा और बिल्डिंग का स्ट्रेंथ जो है कम हो जाएगा, मजबूती कम हो जाएगा और बहुत सारे दिक्कतें घर में आने लगेंगी, क्रैक आने लगेंगी और सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। अब इसके जगह पर क्या किया जाए, इसके जगह पर कुछ करना नहीं, अभी तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, प्लिंथ बीम तक ही पहुँचे हैं। अब कुछ सोचना नहीं है कि भाई पैसा ज़्यादा लाइक खर्चा, कुछ नहीं, आप इसको पूरी तरीके से रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए यहाँ से फाउंडेशन सहित हटा दीजिए, अभी भी बात बिगड़ा नहीं, फिर जो है नए तरीके से नए सिरे से आपको यहां पे फाउंडेशन का काम करना है, नए तरीके से नहीं। हमेशा याद रखिए कॉलम जो बनता है आपका, जैसे मेरा फाउंडेशन हो गया, एकदम पूरा सेंटर ऐसे होना चाहिए, यहां प्लिंथ लेवल हो गया, प्लिंथ बीम हो गया और ऊपर रूफ हो गया, हमेशा जो है पूरा सेंटर में होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ,
ये कॉलम है मेरा, ठीक है। और हम क्या किए, प्लिंथ लेवल में गए, कुछ कॉलम को ऐसे बना दिए और इसको ऐसे जगल कर दिए सरिया। अब इसके ऊपर जैसे लोड जाएगा, क्रैक हो रहा है ना, समझ रहे मेरे बात को। और वही अगर ये चीज जगल नहीं करते पूरा सेंटर में, कितनों लोड दे भाई, इधर उधर भी नहीं होगा, पूरा लोड कैरी करके आपका किस में फाउंडेशन तक जाएगा, फाउंडेशन से आपका कहाँ तक जाएगा, सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, अगर ये कॉलम ऐसे है इस तरह का, हमेशा ये क्रैक होगा, जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के। जब तो हमेशा एकदम पूरा 90 डिग्री अलाइनमेंट में रहना चाहिए, बस इसको याद रखिएगा। और कभी भी जो इस तरीके से ऐसे करके कॉलम नहीं बनाना है, ऐसे करके कॉलम बिल्कुल नहीं, ये गलत तरीका। अब बात कर लेते हैं, मैं तो आपको ये बता दें, अगर ऐसा गलती हो जाता है तो इसका उपाय है तोड़ के फिर से बना लीजिए, उसमें आप सेफ रहेंगे, कुछ पैसा खर्चा होगा लेकिन सेफ रहेंगे। अब जगल कितना कर सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। जगल जो है आप सरिया का, अगर मान लिया जाए कि थोड़ा सा प्लेसमेंट सेंटर लाइन लेने में दिक्कत हो गया था, चाहे कवर ब्लॉक में दिक्कत हो गया था, जगल ओनली 1 इंची, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, 1 इंच। अगर ये सरिया यहां से आ रहा है, थोड़ा सा प्लेसमेंट गड़बड़ाया तो थोड़ा इधर हो गया, तो ओनली जो है 1 इंची ऐसे करके जगल करना, फिर ऐसे लेके जाना। सरिया आ रहा है, इधर आ गया, बस 1 इंची ऐसे जगल करना है, ये ओनली 1 इंच याद रहना चाहिए। यहां पे देखिए जगल जो हुआ था 1 फिट, मतलब 12 इंची जगल, ये बिल्कुल गलत है। तो यहां पे आप क्लियर हो गए होंगे भाई कितना करना है। और अगर आपका मिस्त्री कुछ इस तरीके से गलती कर दे, अगर वो बोल रहा कुछ नहीं होगा, तो भाई उस मिस्त्री को ही भगाइए और फिर से उसको कॉलम को तोड़ करके, फाउंडेशन तोड़ करके, या जैसे भी मंगा के पूरा फाउंडेशन वहां से हटा दीजिए और नए तरीके से फाउंडेशन का काम कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल बेल आइकन बन जाए उसको क्लिक कर देगा, उससे बेनिफिट बच जाता है, जब जब सिविल इंजीनियर बुकमार्क को नया अपडेट आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।